अस्सलाम वालेकुम। हाल ही में पिछले हफ्ते जो आरएनबी का डिपार्टमेंट है उनने एक टेंडर निकाला है टू चॉप डाउन वॉलनट एंड मलबरी ट्रीज इन नेस्वर जो बांडीपोरा में है, और यहां पे एक गर्ल्स स्कूल है जहां पे जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक पार्क कंस्ट्रक्ट करना चाहती है। लेकिन इस पार्क को कंस्ट्रक्ट करने के लिए वहां पे जो कुछ लगभग 80 वॉलनट अखरोट के पेड़ हैं और मलबरी के पेड़ हैं वो अब दे वांट टू चॉप देम डाउन, दे वांट टू फेल दीज ट्रीज। और इसकी वजह से आरएनबी ने हाल ही में अभी पिछले हफ्ते ही एक टेंडर निकाला है विच विद इन अ वीक आई थिंक दे गोइंग टू रैप इट अप। एंड मैं एलजी साहब से यही पूछना चाहती हूं कि आप ऐसे डिसीजन क्यों ले रहे हैं? हमने पिछले साल देखा अमर सिंह कॉलेज में जो बहुत सालों से लगाए हुए पोपलर के जो पेड़ थे वो तक आपने चॉप करवाए, दोज ट्रीज वर ऑल्सो फेल्ड। एंड जो कश्मीर में अखरोट के पेड़ होते हैं दे आर नॉट जस्ट एन एनवायरमेंटल ट्रेजर, दे आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आर हेरिटेज। इनकी इकोनॉमिक वैल्यू ही नहीं होती, दे आर पार्ट ऑफ आर हेरिटेज, आर कल्चर, और एनवायरमेंटल वैल्यू भी इनकी एक मॉन्यूमेंटल होती है बिकॉज नॉट ओनली डू दे प्रोवाइड फॉरेस्ट कवर लेकिन ये एक बायोडायवर्सिटी का सोर्स भी होते हैं। तो मेरी एलजी साहब से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज ये टेंडर रिवोक कराएं, कैंसिल कराएं, एंड देर हैज टू बी अ वे ऑफ डेवलपमेंट विदाउट इट कमिंग एट द कॉस्ट ऑफ आर एनवायरमेंट। हम जानते हैं कि जम्मू कश्मीर जैसा स्टेट इकोलॉजिकली कितना फ्रेजाइल है, तो क्यों हमें ऐसी चीजें करनी है इन द गार्ब ऑफ डेवलपमेंट, इन द गाइज ऑफ डेवलपमेंट, विच विल बी डेट्रीमेंटल नॉट जस्ट टू आर एनवायरमेंट बट ऑल्सो टू आर हेरिटेज। सो मेरी उनसे यही रिक्वेस्ट है कि ये जो आरएनबी ने जो ये टेंडर निकाला है ये पेड़ों को, जो अखरोट के पेड़ हैं उनको चॉप करने का नेस्वर में, बांडीपोरा में, वो आप प्लीज कैंसिल कराएं क्योंकि हम अपनी बायोडायवर्सिटी, अपनी हेरिटेज बचाना चाहते हैं। तो प्लीज रिकंसिडर दिस डिसीजन, इट इज अ हम्बल रिक्वेस्ट। थैंक यू।